दोस्तों, गर्मी धीरे धीरे स्टार्ट होने वाली है और अपनी गर्मियों के सीजन के वेजिटेबल्स के सीड्स और पौध लगाने की प्रक्रिया धीरे धीरे अब शुरू होने लगी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से पौधे किस साइज की ग्रो बैग में लगाना उचित होगा, जिससे कि हमें पूरी गर्मी ढेर सारी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हार्वेस्ट करने को मिले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों, अगर आप सभी ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिलती रहें। दोस्तों, क्या होता है कि हमारे पौधे जो हम इतनी मेहनत करते हैं अपने छतों पे, बालकनी में, ढेर सारे गमलों में ढेर सारे पौधे लगाते हैं और उनकी दिन भर केयर करते हैं और उसके बाद भी हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है तो बहुत ही दुख होता है। पर कुछ चीज़ें होती हैं जो अनजाने में हम नहीं जानते हैं और सारी केयर करते हैं पर उनके बारे में सोचते नहीं हैं। तो मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में आज बात करूंगा कि साइज़ जो बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि किस पौधे के लिए किस साइज़ का ग्रो बैग यूज करें, कितनी मिट्टी किस पौधे को चाहिए, ताकि आप आसानी से अपने जो भी पौध लगा रहे हैं, जो भी सब्जियां लगा रहे हैं, उनमें ढेर सारी फ्रूटिंग ले सकें। तो दोस्तों, वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, इसी पे हम डिस्कस करेंगे और अपना एक्सपीरियंस भी मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। तो मैंने कुछ वेजिटेबल्स जो मेरे लगे हुए हैं और कुछ मैंने बैग तैयार करके रख लिए हैं, जिनमें मैं अब गर्मियों की सब्जियां लगाना स्टार्ट करूंगा धीरे धीरे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं जो भी हमारी क्रीपर होती हैं सब्जियां, बेल वाली सब्जियां होती हैं, उन्हें हमें किस ग्रो बैग में लगानी चाहिए। तो दोस्तों, जो आपकी तरोई या घिया का पौधा होता है वो आप 15x15 के ग्रो बैग में लगा सकते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ एक पौधा ही लगाएं। जैसे ये आप देखिए, ये मेरा 15x15 का ग्रो बैग है, इसमें आप लगा सकते हैं पर एक पौधा ही लगाएं। पर ज़्यादा बेहतर होगा कि आप 18x18 इंच के ग्रो बैग में लगाएं। इस ग्रो बैग में आप तरोई या घिया के 2 से 3 पौधे लगा सकते हैं, वो बहुत ही अच्छे से आपको चलेंगे और बहुत भरपूर प्रोडक्शन उनका, फल सब्जियों का मिलेगा आपको। अगर आप 24x24 का गमला यूज करते हैं तो उसमें 4 से 5 पौधे घिया या तरोई के लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैं बात करूं लौकी की, तो लौकी आप 18x18 इंच के ग्रो बैग में एक पौधा ही लगाएं, क्योंकि उसकी जड़ें थोड़ी ज़्यादा फैलती हैं और स्टेम मोटी होती है, तो फैलने में फिर उसको जो आपकी सब्जी लगाएंगे तो वो 1 से 2 फल तो दे देगा, उसके बाद फिर उसमें फूल तो आएंगे, फल भी बनेंगे छोटे छोटे, पर वो मैच्योर नहीं हो पाएंगे। और अगर आप इस तरह के ग्रोबेड यूज कर रहे हैं, जैसे कि ये मेरा स्क्वायर में ग्रोबेड है, 5x2 का, 5 फुट इसकी लंबाई है और 2 फुट चौड़ाई है और करीब 15 इंच के आसपास इसकी हाइट है, तो इस प्रकार के ग्रोबेड में अगर आप लगा रहे हो तो इसमें 8 से 10 पौधे आप लौकी के लगा सकते हैं बड़े आराम से। तो अगर इस तरह की ग्रोबेड में आप यूज कर रहे हो तो इसमें 8 से 10 पौधे आराम से लगाइए, उसमें भरपूर आपको सब्जियाँ तोड़ने को मिलेंगी। तो दोस्तों, इसके अलावा आप अगर क्रीपर कोई भी पौधे लगाते हो जो बेल वाली सब्जियां हैं, तो यही 18x18 इंच का कम से कम आप ग्रो बैग यूज कीजिए। हाँ, अगर आप कद्दू लगाना चाहते हो तो 24x24 इंच का ग्रो बैग ही यूज करें, क्योंकि कद्दू की जड़ें ज़्यादा फैलती हैं तो वो आपके 18x18 इंच के ग्रो बैग में पौधा तो ग्रोथ कर जाएगा पर उसमें फल नहीं मिलेंगे आपको। फिर इसके अलावा दोस्तों, अब आते हैं हम, ये देखिए मेरा बैंगन का पौधा है, तो बैंगन के पौधे में मैं आपको दिखाऊँ डिफरेंस। जो पौधा मेरा 12x12 इंच के ग्रो बैग में लगा है उसकी ग्रोथ आप देखिए लाइव, और जो पौधा मेरा 15x15 के ग्रो बैग में लगा है, इनमें आप देखिए कितने सारे बैगन बन रहे हैं और मैंने कितनी बार इसमें से हार्वेस्ट भी कर लिया, उसकी वीडियो भी अपलोडेड है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जितना ज़्यादा आपके पौधों को मिट्टी मिलेगी और मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, उतना ज़्यादा आपका पौधा ग्रोथ करेगा। सफिशियंट है अगर 12x12 इंच का ग्रो बैग आपके पास है तो उसमें आप बैंगन, मिर्च, टमाटर ये पौधे लगा सकते हैं, पर अगर आप 15x15 इंच का ग्रो बैग दें तो आपको और ज़्यादा एक्स्ट्रा सब्जियां तोड़ने को उसमें से मिलेंगी। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास 15x15 का ग्रो बैग है तो आप बैंगन को उसमें लगाएं, टमाटर और मिर्च को 12x12 के ग्रो बैग में लगाएं, उनमें ढेर सारी हार्वेस्टिंग आपको मिलेगी। पर बैंगन थोड़ा हैवी पौधा होता है और इसको पोषक तत्वों की ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए इसे 15x15 के ग्रो बैग में लगाएं। फिर इसके बाद दोस्तों, हम बात करते हैं कुछ लीफी वेजिटेबल्स। तो लीफी वेजिटेबल्स के लिए दोस्तों,
हमें क्या यूज करना है, जो जितनी भी लीफी वेजिटेबल्स हैं आपकी, उनके लिए आप ऐसा ग्रो बैग यूज कीजिए जिनकी एरिया ज़्यादा हो, गहराई ज़्यादा नहीं चाहिए। जैसे आपकी हो गई धनिया, हो गई पालक, हो गई चौलाई, हो गई लहसुन प्याज, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको जो ग्रो बैग यूज करना है, मैं आपको दिखाऊं। ये मेरी धनिया लगी हुई है और इससे मैंने ढेर सारी धनिया हार्वेस्ट की हुई है इसमें से, और देखिए अभी भी धनिया मेरी हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है। तो धनिया के लिए आपको ये मेरा 18x8 का ग्रो बैग है, 18 इंच इसकी राउंड है, यहाँ से यहाँ तक की राउंड 18 इंच है और 8 इंच की इसकी हाइट है। अगर इससे बड़ा आप लेना चाहते हैं तो आप 24x12 इंच का ग्रो बैग जो है वो ले सकते हैं। तो उस ग्रो बैग में आप ये देखिए इस प्रकार का 24x12 का ले सकते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की लीफी वेजिटेबल्स या फिर आप चाहें तो टमाटर और मिर्च के पौधे भी लगा सकते हैं इनमें। इसके अलावा आप भिंडी का पौधा इसमें लगा सकते हैं, भिंडी के पौधे के लिए भी आपको 12x12 इंच का ग्रो बैग इसमें 1 से 2 पौधे लगा सकते हैं। और अगर इस प्रकार आप 24x12 का ग्रो बैग यूज कर रहे हैं तो इसमें आप 6 से 7 पौधे भिंडी के बड़े आराम से लगा सकते हैं और ढेर सारी भिंडी आपको इसमें से हार्वेस्ट करने को मिलेगी। या फिर दोस्तों आप इस प्रकार थर्मोफॉर्म पॉट बना के इसमें भी आप लीफी वेजिटेबल्स लगा सकते हैं, या फिर इसमें टमाटर, बैंगन, मूली, शिमला मिर्च, मिर्च, किसी भी प्रकार का पौधा आप इसमें लगा सकते हैं। क्योंकि इनकी देखिए जैसे मेरे पास जो है इसकी मेरी जो लंबाई है इस पॉट की, ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई इसकी करीब 26 इंच के आसपास है और जो चौड़ाई है ये 13 से 14 इंच की है चौड़ाई, और गहराई भी इसकी 14 इंच के आसपास है। तो इसमें किसी भी प्रकार की आप वेजिटेबल लगाएंगे सब में ढेर सारी हार्वेस्टिंग मिलेगी आपको। आप देखिए मेरा टमाटर का पौधा लगा हुआ है और देखिए कितने सारे टमाटर इसमें लगे हुए हैं। तो आप इस प्रकार के इस प्लांटर में भी थर्मोफॉर्म और बहुत ही सस्ता है, इसकी फुल डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं। ये 50-50 रुपये में एक एक पॉट है जिसमें आप किसी भी प्रकार की कोई भी सब्जी लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों गर्मियों के लिए मूली लगाना है तो उसके लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमें चीप गार्डनिंग करनी है, तो जो मेरे फल वाले पौधे लगे हुए हैं उन्हीं गमलों में मैं मूली के बीज डाल देता हूँ। तो देखिए कितनी अच्छी मूली मेरे को तैयार मिल रही है, ये आप देख सकते हैं। तो ढेर सारी मूली मुझे इसमें से हार्वेस्ट करने को मिलती है। अगर आप इस तरह से नहीं लगाना चाहते हैं तो आप 12x12 इंच के ग्रो बैग में मूली लगा सकते हैं जिसमें आपको अच्छी मूली मिलेगी, या फिर ये जो 24x12 के ग्रो बैग हैं हमारे इनमें भी आप लगा सकते हैं, ढेर सारी मूली इसमें आपको हार्वेस्ट करने को मिलेगी। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कुछ सेम या बीन्स लोबिया की सब्जियों के बारे में, तो उनको भी आप कम से कम 12x12 इंच के ग्रो बैग में लगाइए और एक ग्रो बैग में एक पौधा ही लगाइए अगर आप 12x12 के ग्रो बैग में लगा रहे हैं। अगर इस प्रकार स्क्वायर पॉट थर्मोफॉर्म पॉट में लगा रहे हैं तो एक ग्रो बैग में इस एक प्लांटर में हम 4 पौधे लगा सकते हैं लोबिया के या सेम के। तो दोस्तों ये ज़रूरी है कि आप पौधों की नेचर को जानकर उसे उस हिसाब से मिट्टी प्रदान करें, उस साइज का ग्रो बैग लगाएं, उस ग्रो बैग लें और उसी में उन पौधों को लगाएं। इसके अलावा दोस्तों जो एक ज़रूरी चीज़ है कि हमें मिट्टी ऐसी तैयार करनी है जिस जो वेल ड्रेन्ड हो और काफ़ी अच्छी भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। तो आप भुरभुरी मिट्टी तैयार कीजिए और उनमें आप अपनी गर्मियों की सब्जियाँ लगाइए, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मिट्टी कैसे तैयार करना है दोस्तों, आप धान की भूसी ले लीजिए कोकोपीट की जगह पर। अगर आपको धान की भूसी नहीं मिल रही तो आप कोकोपीट यूज कीजिए, पर धान की भूसी बेस्ट है, वो एक फर्टिलाइजर के रूप में भी यूज की जाती है और मिट्टी को ड्रेंड अच्छी बनाने में भी काफ़ी उपयोगी होती है। तो आप 50% गार्डन सॉइल लीजिए, 30% धान की भूसी लीजिए, 20% काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट लीजिए। इसके अलावा अगर आप 12x12 इंच का ग्रो बैग है तो उसमें 1 से 2 मुट्ठी बोन मिल पाउडर, नीम खली और सरसों खली भी मिला लीजिए। इस प्रकार अगर आप मिट्टी बना के ग्रो बैग में सही सब्जियां लगाते हैं तो आपको बहुत ढेर सारी सब्जियां हार्वेस्ट करने को इन गर्मियों में मिलने वाली है। तो दोस्तों अगर जानकारी पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।